एवरीवन, बहुत जनों का प्रॉब्लम अच्छी कि से माने निजर ओवुलेशन डेट टी को जानी पारु नहंती। आज का वीडियो रे मु आपण मानक सहित किपरि सहज उपाय रे आपण आपणकर ओवुलेशन डेट टी को बाहर करी पर्टिकुलर फर्टाइल पीरियड रे रिलेशन रखि परिबे से विषय रे आलोचना करिवि। जेतेबेले नारी रो शरीर रे एक टी रिलीज हे थाय सेही एक टी नारी रो शरीर रे 24 घंटा पर्यंत जीवित रही थाय। सेही परि जेतेबेले वजाइना थ्रू दे नारी रो शरीर को स्पर्म एंट्री करी थाय स्पर्म रो लाइफ स्पैन थाय 3 रो 4 दिन। तेणु करी 3 रो 4 दिन ही रहिला नारी मानंकर फर्टाइल पीरियड जोटा कि ओवुलेशन समय रे हे थाए। ओवुलेशन रा 3 दिन पूर्वरु एवं ओवुलेशन डेट रा दिनक पर पर्यंत फर्टाइल पीरियड बोली धरा जाय थाए। यदि सही समय रे नारी पुरुष संपर्क रखि थांती तेबे ही सेमानंकर कंसीव करिवार चांसेस बढ़ी जाय थाए। प्रॉब्लम सेहिटी आसी थाए जो जगह रे कि नारी माने निजरो ओवुलेशन डेट टी को बाहर करी पारी न थांती। बहुत जण मते ए नै करी क्वेश्चन करलेनी कि मैडम हमर ए डेट रे होउछि तबे हमर ओवुलेशन केबे होबो। मु आज किछटा एग्जांपल नै करी कहिबा को जाउछि कि को पीरियड बा को साइकिल लेंथ रे केबे केबे आपण मानंकर ओवुलेशन आसीबो। प्रथम स्टेज रे मु आपणंकु पर्टिकुलर गोटे डेट रा एग्जांपल नै करी कहूछि आउ चारोटी स्टेज रो नारी मानंक विषय रे आलोचना करिबी। जोथरे प्रथम नारी रो पीरियड साइकिल लेंथ रहइबो 24 दिन रो। द्वितीय स्टेज रे सही नारी रो पीरियड साइकिल लेंथ रहइबो 28 दिन रो। तृतीय रे सही नारी रो पीरियड साइकिल लेंथ रहइबो 35 दिन रो। चतुर्थ रे सही नारी रो पीरियड साइकिल लेंथ रहइबो 40 दिन रो। काहे कि ना अलगा अलगा नारी मानंकर पीरियड साइकिल लेंथ अलगा अलगा हेथाय। मु आपण को एहा मध्य कहबी जदी जो नारी मानकर एही सब व्यवधान रेगुलर बेसिस रे प्रत्येक मास ए व्यवधान रे आसी थाय तेबे से मानंकु एही रूल टी अप्लाई करबा सहज हे थाय बा एग्जैक्ट रिजल्ट मिलि थाय। किछि जणा एमिति अछन्ति जो मानकर कि पीरियड साइकिल लेंथ वेरी करि थाय। को मास रे 15 दिन रे आसीले तो को मास रे 20 दिन किंबा को मास रे 22 दिन 25 दिन 30 दिन 35 दिन एंति व्यवधान अलगा अलगा आसी थाय। से केस रे आपण कोण करिवे से विषय रे भी मु आगु को आलोचना करिवे। एबे चलंतु जानि नबा कि जदि आपणकर पीरियड रे साइकिल लेंथ एही सब डेट रे फिक्स रहूछि तेबे आपणकर एटा होछि रेगुलर साइकिल लेंथ। त एही रेगुलर साइकिल लेंथ रे आपण किपरि आपणकर ओवुलेशन डेट टी को काढि परिवे। सब नारी मानंकर गोटे डेट को मु फिक्स रखीछि सेटा हैला 1 सेप्टेंबर। मानि नियंतु प्रथम नारी रो जो दिन जो नारी की 24 दिन साइकिल लेंथ रहिला तार 1 सेप्टेंबर रे फर्स्ट पीरियड टी आसिला तेबे तार एक्सपेक्टेड पीरियड डेट टी होउछि 24 सेप्टेम्बर। 24 सेप्टेम्बर जेहेतु तार पीरियड साइकिल लेंथ हैला 24 ताहेले से मानकर ओवुलेशन डेट केबे आसिबो नेक्स्ट पीरियड माने जो 24 सेप्टेम्बर हैला ता देहरु आपनकु 14 को माइनस करिवार अछि तेबे रिजल्ट आसिबो 10 सेप्टेम्बर। जदि गोटे नारी रो 1 सेप्टेम्बर रे पीरियड हैला और तार 24 दिन रो साइकिल लेंथ रहिला नेक्स्ट पीरियड टी आसिला 24 सेप्टेम्बर रे और तार ओवुलेशन डेट टी हैला 10 सेप्टेम्बर रे तेबे सही नारी टी कोन करिवो जेबे पीरियड रो 7 डेज हबो माने 7 डेज जो दिन रो आपनकर पीरियड हैला सही दिन रो नै आपन 7 डेज काउंट करिवे जेबे सही नारी रो 7 डेज हबो सही दिन रो नै किरी जो दिन ओवुलेशन हैला को दिन ओवुलेशन हैला 10 तारिख दिन त माने ता पर दिन जाय आपनकु रिलेशन रखिबार अछि। पीरियड रो 7 डेज रो नै पीरियड रो 11 डेज होउछि आपनकर फर्टाइल पीरियड। मु आपनको एग्जांपल दे देली तो आपन सही अनुसार आपनकर डेट टी को नोट रखिबे जहां आपनकर पीरियड साइकिल लेंथ थिबो सही अनुसार आपनकर नेक्स्ट पीरियड रे डेट रु आपनको 14 माइनस करिवार अछि। रिजल्ट जहां आसीबो तार 3 दिन पूर्वरु आ दिनक पर पर्यंत आपनको रिलेशन रखिबार अछि। सही परि आउ एक नारी रो जहार पीरियड साइकिल लेंथ हैला 28 दिन रो मानि नियंतु सही नारी रो पीरियड टी हैला 1 सेप्टेम्बर रे तेबे तार नेक्स्ट पीरियड टी आसीबो 28 सेप्टेम्बर रे तेबे तांकर ओवुलेशन डेट केबे आसी थाय 14 सेप्टेम्बर रे।
14 सेप्टेम्बर रे जदि सेहि नारीर ओवुलेशन आसिला तेबे तांकु 11 सेप्टेम्बर रु नै 15 सेप्टेम्बर पर्यंत एव्री डे किंबा एव्री अल्टरनेट डे रे शारीरिक संबंध रखिबार अछि। एही समय रे ही नारीर एक्ट रिलीज हेथाय आउ जदि एही समय रे आपण संबंध रखिबे तेबे गर्भवती होबार चांसेस बहुत मात्रा रे बढ़ी जायथाय। थर्ड नारीर जो पीरियड साइकिल लेंथ मु कहिथिलि केते 35 दिनर 35 दिन हेले जदि फर्स्ट सेप्टेम्बर तार हेला प्रथम पीरियड साइकिल लेंथ तबे तार नेक्स्ट पीरियड साइकिल टी आसीबो 5 अक्टूबर रे तबे सही नारी रो ओवुलेशन हबो 21 सेप्टेम्बर रे सही परि 21 सेप्टेम्बर रो 3 दिन पूर्वरु एवं 21 सेप्टेम्बर रो दिनक पर पर्यंत सही नारी रो फर्टाइल पीरियड रहिबो त सही 4 दिन सेमानको कंटीन्यूअसली शारीरिक संबंध रखिबार अछि। आउ एक हैला 40 दिन व्यवधान रे लास्ट नारी रो जो पीरियड साइकिल लेंथ रहिला 40 दिन व्यवधान रे जदि तार फर्स्ट सेप्टेम्बर रे पीरियड आसिला तेबे तार नेक्स्ट पीरियड टी आसिबो 10 अक्टूबर रे जदि तार 10 अक्टूबर रे पीरियड टी आसिला तेबे तार ओवुलेशन डेट हबो 10 अक्टूबर रो 14 दिन पूर्वरु रिजल्ट आसिबो 26 सेप्टेम्बर 26 सेप्टेम्बर आसिला माने 26 सेप्टेम्बर रु 3 दिन पूर्वरु एवं 26 सेप्टेम्बर रो दिनक पर पर्यंत सही जोडिंग को सबु दिन किंबा दिने छाडी दिने शारीरिक संबंध रखिबार अछि। एही दिन मानंकरे सही नारी मानंकर ओवुलेशन हेथाय आउ जदि एही समय रे संबंध रखंदी तेबे गर्भवती होबार चांसेस बढ़ी जायथाय। एहा तो थिला सही मानंक पई जो मानंकर सबु मासर पीरियड साइकिल लेंथ एही व्यवधान रे आसी थाए जो नारी रा 24 रहिला सेटा तार सबु दिन 24 दिन गैप रे आसी थाए जो नारी रा 28 रहिला तार सबु दिन 28 दिन गैप रे आसी थाए किंबा जो नारी रा 35 किंबा 45 किंबा 40 रहिला सेही नारी मानंकर सबु मासरे सेही गैप रे आसी थाए तेबे से मानंकर ओवुलेशन डेट एआईआर रही थाए। किंतु एमिती केस 50 भाग रहिले आउ 50 भाग एमिती अछंती जो मानकर कि पीरियड रो साइकिल लेंथ बिल्कुल भी समान न थाए को मास रे 15 दिन को मास रे 20 दिन को मास रे 35 दिन तो को मास रे 45 दिन से केस रे सही नारी मानंकु डॉक्टर को पाखो को जिबा निहाती दरकार तो डॉक्टर सेथि पई नारी मानकर किछटा टेस्ट करिथांती टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आसिले से आपनकु ओवुलेशन मॉनिटरिंग करिबा पई सजेशन दे थांती। एही ओवुलेशन मॉनिटरिंग भी दुई प्रकार हे थाए फर्स्ट होची फॉलिकुलर स्टडी रे कोन हे थाए अल्ट्रासाउंड माध्यम रे डॉक्टर आपनकर ओवुलेशन डेट टी को कैच करिया पई चेष्टा करंती एथि पई सेही नारी को बहुत थर हॉस्पिटल किंबा क्लिनिक जिबा पई पड़ी थाए। सेकेंड टी होची ओवुलेशन किट रो यूज करिबा आपण चाहिले जदि हॉस्पिटल जिबा पई चाहू नाहंती तेबे आपण ओवुलेशन किट रो यूज करिके मध्य आपणकर ओवुलेशन डेट टी को जानि परिबे। जदि आपणकर पीरियड साइकिल लेंथ बहुत मात्रा रे इरेगुलर होचे प्रथमे आपण आपणकर किछटा हार्मोन टेस्ट कराई नबा निहाती दरकार आ गोटे अल्ट्रासाउंड कराई नबा निहाती दरकार तदरा आपण कन्फर्म हे जेबे कि आपणक शरीर रे कोनोसी प्रॉब्लम नाही तापरे आपण एही ओवुलेशन किट टी को यूज करी आपणकर ओवुलेशन डेट टी को जानि परिबे। ओवुलेशन किट आपण किपर यूज करिवे ए ने कि मो बहुत ही बढ़िया वीडियो बनै छी आपण चाहिले मोर सही वीडियो रे जई चेक करि परिबे किपर आपण आपणकर ओवुलेशन किट टी को यूज करि परिबे को डेट रो आपण ओवुलेशन किट यूज करले एग्जैक्ट ओवुलेशन डेट रो रिजल्ट जानि परिबे। तो आपण ओवुलेशन किट जदि यूज करुछंती ओवुलेशन किट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को डिटेक्ट करिथाय जहा द्वारा आपण जानि परिबे जत्ते बेले एही ओवुलेशन किट रे दुईटी गार आसी जिवो आपण जानि जेबे कि आगु को जाई 24 घंटा भीतर एग रिलीज हबार अछि आ आपण को सेवेट रुही कांस्टेंटली रिलेशन रखिबार अछि। तेबे एहा थिला टोटल वीडियो किपरि आपण आपणकर पीरियड साइकिल लेंथ को नेके आपणकर ओवुलेशन डेट टी को काढी परिबे आ जदि आपणकर इरेगुलर पीरियड होचे से केस रे आपण को कंडीशन को अपनेई परिबे। तेबे आजिका वीडियो रे एतिकी फोन देखाबो आ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो सहित से पर्यंत विदाय दियंतु रहिली नमस्कार।